अल्लाह है जो खाता नहीं है मगर अपने बंदों को खिलाता है। वो मेरा अल्लाह है जो बकरी जानवरों के थन में गोबर और खून के बीच के अंदर दूध पैदा करता है। दूध जो होता है कुरान कहता है वो गोबर और खून के बीच में होता है, मगर अल्लाह फरमाता है देखते नहीं, बीच में रखते हैं, गोबर और खून के बीच में रखते हैं, ना उसमें गोबर का रंग आता है ना खून की लज्जत आती है। अल्लाह अकबर, उसकी खुशबू भी अलग है जिसे दूध कहते हैं, उसकी लज्जत भी अलग है जिसे दूध कहते हैं। वो कौन है जो दोनों के बीच से तुम्हें दूध अता फरमाता है? उसी को रब मोहम्मद वादहू ला शरीक कहते हैं। बहरहाल तो वो रोज रोज कहता, लेकिन काम उसका ना बनना था ना बनता। आपसे भी कहता हूं, उम्मीद अल्लाह से ला, अपने अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता करो, मजबूत बनो, अल्लाह पर यकीन पुख्ता करो। अल्लाह वाले औलिया अल्लाह हमारे यकीन को अल्लाह पर पुख्ता करने के लिए आए थे, तौहीद की दावत देने के लिए आए थे। आजकल थोड़ा सा आदमी परेशान होता है तो मुशरिकीन के पास तक पहुंच जाता है इलाज और मुआलजे के लिए, जादूगरों के पास तक पहुंच जाता है इलाज और मुआलजे के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जादूगर जो लोग मुशरिकीन, वो जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन उनके पास जो जाए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 40 दिन तक उनकी इबादत कबूल नहीं होती। अगर वो उसी हालत में मरे तो गोया के वो कुफ्र की मौत मरा, जिहालत की मौत मरा। हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ है तो जहां कुरान की आयतों से और बुजुर्गान दीन के वज़ाइफ से जहां इलाज कराया जाता है तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, तरीका है। लेकिन मुशरिकीन के पास तक पहुंच जाना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं, और ये बहुत तेजी के साथ मामला फैल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको अपनी अमान में रखे, ईमान पे खात्मे के लाले पड़ जाएंगे। अल्लाह के बंदों, सब कुछ दुनिया नहीं है, और याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत वो ताकत है जो फिरौन के घर में मूसा की परवरिश करता है। अल्लाह की ताकत वो ताकत है जो नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक करता है। इसलिए अपने अल्लाह पर यकीन मजबूत रखो। लोग कहेंगे हालात अच्छे नहीं है, मैंने कहा रास्ता एक ही होता है लेकिन नियत बदलने से अंजाम बदलता है, नियत बदलने से मंजिल बदलती है, नियत बदलने से नतीजा बदलता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा दरिया में रास्ता था कि नहीं था, उसी दरिया पर हजरत मूसा भी चल रहे हैं, उसी दरिया पे फिरौन भी चल रहा है। बोलो मूसा कहां पहुंचे, फिरौन कहां पहुंचा? तो आप बताएंगे हजरत मूसा तो पार चले गए, फिरौन डूब गया। हम कहते हैं रास्ता एक ही है, फिर नतीजा अलग अलग क्यों है? तो बस बात इतनी है, मूसा को अल्लाह पे यकीन था इसलिए मंजिल की तरफ पहुंच गए, और फिरौन को अपने ऊपर घमंड था, खुदा ने उसको गर्क फरमाया। इसलिए अल्लाह के बंदू अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह की शान बड़ी शान है, वो वादहू ला शरीक है।